मैट्रिक पास छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि उन लोगों का इंटर में यानी इलेवेंथ में एडमिशन का जो डेट जारी कर दिया गया है और वो डेट है 1 जुलाई से 10 जुलाई तक। क्या है वो सभी प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, आपके ब्राउजर में आपको सर्च कर लेना है OFSS सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद इस तरह का विंडोज ओपन होता है तो यहाँ से आपको थर्ड वाला जो लिंक है आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर हम आपको क्लिक करते हैं, इस लिंक पे क्लिक करते ही दोस्तों इस तरह का पेज ओपन होगा OFSS बिहार का यानी ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम फॉर स्टूडेंट। यहाँ इस पे आते हैं तो यहाँ सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। यहाँ इम्पोर्टेंट डेट को दिया हुआ है कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट यहाँ दे दिया है कि 1/7/2020 से जो है ऑनलाइन शुरुआत होगा। ये मैंने ये प्रूफ दे दिया कि 1/7/2020 तक स्टार्ट होगा और लास्ट डेट पढ़ाई का दिया गया है 10/7/2020। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन चार्ज की, तो यहाँ जनरल और ओबीसी के लिए है 300 और SC/ST के लिए भी ऑनलाइन जो है 300 है। इसको पेमेंट का भी जो फी दिया गया है पेमेंट कर सकते हैं थ्रू वाया डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से या ऑफलाइन भी इसको फीस को जमा कर सकते हैं। अब यहाँ नोट फॉर दिया गया है, यहाँ दिया गया है द स्टूडेंट वे पास यानी जो भी स्टूडेंट मैट्रिक पास कर चुके हैं वो यानी बिहार बोर्ड से या किसी और भी बोर्ड से सारे जो है इस बोर्ड में जो है एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ जो इंस्ट्रक्शन टू अप्लाई करने का कुछ इंस्ट्रक्शन जो आपको यहाँ दे दिया गया है, यहाँ में ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए हम यहाँ से आ जाते हैं। यहाँ दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन कर ली जो यहाँ आपको दे दिया है कि लिंक लाइव ऑन 1/7/2020 को जो है ये लाइव हो जाएगा, इस पे काम कर सकते हैं 1/7/2020 से ऑनलाइन भर सकते हैं। अब यहाँ से हम कर लेते हैं क्या क्या दिया है कि बिफोर स्टार्टिंग ऑनलाइन द फॉलोइंग स्टेप, जो भी एडमिशन यानी स्टार्ट करने से पहले क्या क्या होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर जो एक्टिव होना चाहिए जो कि आपके पास में होना चाहिए और गुड क्वालिटी का फोटो होना चाहिए और सिग्नेचर भी स्कैन करके आपको डालना होगा, ये सारे आपके पास होना चाहिए। और लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ से अपना जो भी अपना रजिस्ट्रेशन है जो भी अपना करेक्ट डिटेल जो आपको इसमें भरना होगा, इसके साथ जो आपका अपना पास जो है इसके ईमेल आईडी भी आपका होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी पास में होना चाहिए जो आपको पता होना चाहिए। और जो भी है आप डेबिट कार्ड से करें या जिस तरह से भी कर लेते हैं फॉर्म भर लेते हैं, उसका फॉर्म भरने के बाद जो अप्लाई हो जाता है उसका इसका प्रिंट करके आपको जो है तो अपने पास रख लेना है। अब यहाँ दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन या डाउनलोड नोटिफिकेशन के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं, कोई इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो इसमें क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको नोटिफिकेशन पर हमने क्लिक किया है तो यह इसका प्रीव्यू ओपन हो रहा है, इस पे जो है सारे डिटेल जो आपको इस पे दे दिया गया है, इसको अपन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। अब तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई, तो अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर।